हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो हमारे उत्तराखंड में जो यात्रा चलती है केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की। हरिद्वार से ये यात्रा स्टार्ट होती है तो ये टाइम शेष बचा है और हमारी जो चार धाम यात्रा संपूर्ण यात्रा वीडियो जो हमने अभी कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल में डाली थी तो उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि ये वीडियो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपने बनाई और यात्रा में जितने भी साइड सीन थे और जो जो जानकारी रही यात्रा की सारी हमने उसको उसमें विस्तार से दिखाई। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने काफ़ी तारीफ की कि बहुत अच्छा वीडियो लगा, आपने पूरे घर बैठे बैठे चार धाम यात्रा के दर्शन करा दिए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हमारे वीडियो के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के बारे में। तो इस साल की जो दो यात्रा है वो हम हरिद्वार ऋषिकेश से कराने जा रहे हैं अपनी गाड़ियों के द्वारा, और जो ये यात्रा जो रहेगी हमारी हरिद्वार टू हरिद्वार मिनिमम 6 दिन की यात्रा रहेगी, जिसमें हम सबसे पहले अपने कस्टमर को अपना हरिद्वार और ऋषिकेश से पिकअप करते हैं और वहाँ से हम वाया ऋषिकेश और देवप्रयाग दिखाते हुए और रुद्रप्रयाग का संगम दिखाते हुए, जहाँ पर दोनों ही जगह देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग में अलग अलग नदियों के संगम होते हैं, और उनके दर्शन कराते हुए हम अपना चले जाते हैं गुप्तकाशी में, और गुप्तकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन कराते हैं जो कि बहुत पौराणिक मंदिर है गुप्तकाशी का, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं सोनप्रयाग में। तो दोस्तों, सोनप्रयाग से 1 या 2 किलोमीटर पहले जो सीतापुर रामपुर नामक पैलेस पड़ते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी होटल इंडस्ट्री मिलेगी। उसमें बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो ऑनलाइन भी हैं, जो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो आप ऑफलाइन है, जो कि आप वहाँ पर जाकर करंट बुकिंग करा सकते हो। तो फिर हमें वहाँ पे एक पहला होल्ड लेना पड़ता है और सेकंड डे हमारी जो गाड़ी आपको ड्रॉप करती है वो सोनप्रयाग करती है। सोनप्रयाग जो हमारी यात्रा का है वो लास्ट स्टॉप होता है जब वहाँ जहाँ तक गाड़ी जाती है। सोनप्रयाग से आपको 5 से 6 किलोमीटर दूरी जो सोनप्रयाग से पड़ता है वो गौरीकुंड पड़ता है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में लोकल टैक्सी चलती है जिसका मिनिमम 25 से 30 रुपये पर मेंबर के आसपास का फेयर होता है। वहाँ उस टैक्सी के द्वारा आप चले जाते हो गौरीकुंड में, और गौरीकुंड से आपको तय करना है कि आपको वॉक करके जाना है या फिर आपको घोड़े से जाना है या डंडी पालकी से जाना है। तो वहाँ पे आपको घोड़ा भी मिल जाएगा जाने के लिए, पालकी भी मिल जाएगी, और आप ट्रैक करके भी जा सकते हो। और जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर की जो सेवा जो चलती है वो गुप्तकाशी से चलती है और फाटा से चलती है और सैरसी से चलती है और बड़ासू से चलती है और तिरयुगी नारायण रोड से चलती है। तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग की जो प्रक्रिया है अभी जल्दी शुरू होने वाली है और सरकार के साथ अभी टेंडर होने वाला है, तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी ऑनलाइन कर दी जाएगी। तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग का लिंक मिलेगा, और आप वो इंटरनेट से आप GMVN की साइट पर जाकर भी अपना हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग होगी वो GMVN की साइड में ही होगी। तो सेकंड डे आप गौरीकुंड से या तो हेलीकॉप्टर से फाटा वगैरह जहां से भी आप अपना हेलीकॉप्टर बुक करते हो आप चले जाते हो केदारनाथ, या फिर आप वॉक करके जाते हो या घोड़े से जाते हो तो वो आप चले जाते हो दोपहर तक केदारनाथ। और केदारनाथ धाम में आपको नाइट करना होता है, और केदारनाथ धाम में काफ़ी कॉस्टली रहता है वहाँ पे रुकना, क्योंकि वो काफ़ी छोटी जगह है और वहाँ पे काफ़ी होटल पहले और जो आश्रम थे डैमेज हो चुके थे 2013 में जो आपदा आई थी वहाँ पर,
तो वहाँ पे कम व्यवस्था होने के कारण वहाँ का कॉस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब नीचे से आता है जो कि घोड़े के द्वारा आता है, तो उसका रेट काफ़ी महंगा हो जाता है। तो वहाँ पे आप केदारनाथ धाम में, तो जहाँ तक उम्मीद है, तो आप अपना ऑनलाइन अपना होटल की बुकिंग GMVN में कराए, वहाँ पे GMVN के होटल आपको मिलेंगे, GMVN के आपको कैंप मिलेंगे, वहाँ पे आप नाइट कर सकते हैं। तो केदारनाथ में एक नाइट करने के बाद में आप नेक्स्ट डे आप नीचे आ जाते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से हमारी गाड़ी आपको पिकअप करती है और वहाँ से हम आपको ले जाते हैं बद्रीनाथ की तरफ, यात्रा रवाना कर देते हैं। और सबसे पहले हम आपको उसके बाद में ओखीमठ ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर 6 महीने बद्रीनाथ जी की डोली आती है और वहाँ पे आपको पंच केदारों के भी दर्शन मिल जाते हैं। और वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे चोपटा हम आपको लेके जाते हैं, चोपटा में आपको तुंगनाथ महादेव के दर्शन कराते हैं। चोपटा से तुंगनाथ महादेव का जो टेम्पल है वो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर है, जो कि हिमालय में सबसे ऊंचा हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। तो अगर आप चार धाम यात्रा पर आते हो तो इस प्राकृतिक जो वहाँ का जो नज़ारा है, जो वहाँ का सौंदर्य है, जो जिसको इंडिया का और अपने उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं चोपटा, तो चोपटा ज़रूर आए आप। और वहाँ की सुंदर वादियों का नज़ारा और वहाँ से जो केदारनाथ हिमालय और चोखंबा पीक, ये सारा जो व्यू है आपको वहाँ से बहुत अच्छा आएगा। और अक्टूबर के महीने में वहाँ पे हिमालय का जो पीक है वो बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। तो आप चोपटा होते हुए आप तुंगनाथ की यात्रा करें और तुंगनाथ की यात्रा करा के हम आगे बढ़ जाते हैं पीपल कोठी और जोशीमठ की तरफ। तो जोशीमठ या पीपल कोठी में हम आपको नाइट होल्ड दे देते हैं। तो वहाँ पे नाइट होल्ड लेने के बाद अपनी नेक्स्ट डे की जो यात्रा होती है हम स्टार्ट करते हैं बद्रीनाथ धाम जी के लिए। और बद्रीनाथ धाम से हम जब निकलते हैं तो रास्ते में हम जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं, और नरसिंह मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चले जाते हैं बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में आपको बद्रीनाथ जी के आपको दर्शन करने होते हैं, जो कि वहाँ पे अगर या मई जून का टाइम होता तो काफ़ी रश होता है। तो वहाँ पे टिकटिंग से सिस्टम रहता है कि वहाँ पे आपको अपना दर्शन के लिए पास बुक कराना पड़ता है कि किस टाइम आपको दर्शन मिलेंगे। अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है तो आप आराम से भी दर्शन कर सकते हो। तो उसकी यात्रा कराते हैं हम, और वहाँ से बद्रीनाथ जी के आपको मंगल आरती के दर्शन होते हैं, भगवान के अभिषेक के भी दर्शन होते हैं। और वहाँ पे आप अपना पितरों के लिए पिंड दान वगैरह, पूजा दान वगैरह आप कर सकते हो बद्रीनाथ जी में। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम देश का सबसे बड़ा धाम है। इंडिया में चार धाम आते हैं, बद्रीनाथ धाम और द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। इन सभी धामों में जो बद्रीनाथ धाम है सबसे श्रेष्ठ धाम माना गया है। ये सतयुग का धाम है, भगवान ने साक्षात आकर यहाँ पर तप किया है। और भगवान ने नर और नारायण के रूप में आके यहाँ पे तप किया है। नर अर्जुन बन के आए थे और नर और नारायण स्वयं अपना विष्णु बन के आए थे। तो ये श्राप मुक्त भूमि है, तो कोई भी कैसा भी प्राणी बद्रीनाथ धाम में आता है तो सबके यहाँ पे कष्ट कट जाते हैं। तो हम भी ऐसे कृपया निधान बाबा श्री बद्रीनाथ जी को प्रणाम करते हैं। और वहाँ से बद्रीनाथ जी की यात्रा कंप्लीट करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम आगे चले जाते हैं हिंदुस्तान का जो आखिरी गांव है, लास्ट इंडियन विलेज माणा। माणा में आपको हम सरस्वती नदी के दर्शन कराते हैं, वहीं पर सरस्वती नदी का उद्गम मिलेगा। आपने सुना होगा कि 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो सरस्वती आपको गंगा देखी होगी आपने, यमुना देखी होगी, पर आपने सरस्वती को नहीं देखा होगा। तो वहीं पे सरस्वती का उद्गम मिलेगा आपको, 200 से 300 मीटर का उद्गम रहता है। उसके बाद सरस्वती का संगम जो है अलकनंदा में हो जाता है। सरस्वती नदी वहाँ पर लुप्त हो जाती है, जिसको वेद व्यास जी ने श्राप दिया था। और वहाँ पर आपको भीम पुल और गणेश गुफा और अपना वेद व्यास गुफा, इन सभी और जगह के आपको दर्शन होते हैं। तकरीबन माणा गांव में 5 पॉइंट्स पड़ते हैं देखने के। और वहीं से माणा से सतोपन सुवर्ग रोहिणी की यात्रा चालू होती है, जहां से 5 पांडव सुवर्ग की यात्रा गए थे। तो अगर कुछ मित्र जाना चाहते हो तो सतोपन सुवर्ग रोहिणी की यात्रा, जो कि बद्रीनाथ माणा गाँव से स्टार्ट होती है, तो मई और जून के महीने में वो यात्रा स्टार्ट रहती है। तो आप भी वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे जाने के लिए आपका स्टैमिना काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। वहाँ का जो ट्रैकिंग होती है वो वॉक करके जाना पड़ता है, मिनिमम 6 से 7 दिन की यात्रा होती है। और ये
माणा गांव के दर्शन कराने के बाद हम आपको वापसी में 5 प्रयाग दिखाते हुए, जैसे कि देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग और करण प्रयाग दिखाते हुए हम आपको जो आपका यात्रा का छठा दिन होता है वो आप हरिद्वार में आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारी 2 धाम की यात्रा होती है जिसमें हम आपको केदारनाथ और चोपटा तुंगनाथ और बद्रीनाथ करा के वापसी ले आते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश। दोस्तों, 4 धाम यात्रा 2022 की अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो आप हमारे द्वारा भी अपने टूर को बुक करा सकते हो और अपनी टैक्सी सर्विस को बुकिंग करा सकते हो। हम अच्छी क्वालिटी की कैब देते हैं और रिजनेबल प्राइस होता है, और मई और जून में काफ़ी जो है भीड़ होने के कारण, पीक टाइम होने के कारण तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद में मई और जून के बाद का जो टाइम होता है जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें काफ़ी रेट वगैरह सब डाउन रहते हैं। तो आप आइए उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए, हम आपको अच्छे से यात्रा कराएंगे। और हमारी जो ट्रेवल एजेंसी है वो रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंसी है। आप अगर 4 धाम यात्रा करते हो, कहीं से भी आप पूरे हरिद्वार ऋषिकेश तो कहीं से भी आप अपनी बुकिंग कराते हो, तो रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंसी से ही अपना वाहन बुक कराए, क्योंकि रजिस्टर्ड आप ट्रेवल एजेंसी से अपना वाहन बुक कराएंगे तो यात्रा में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जब 4 धाम यात्रा पर आए, फिल्म स्टार डायरेक्टर कीर्ति कुमार, सुपर स्टार गोविंदा के बड़े भाई, उन्होंने हमारी कंपनी की सर्विस यूज की और हमारे साथ में उन्होंने 4 धाम यात्रा की, और 4 धाम यात्रा से खुश होकर क्या कहा उन्होंने हमारी सर्विस के बारे में, आप भी देखिए इस वीडियो क्लिप के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति कुमार, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, आल्सो एक्टिंग टीचर। मैंने हत्या, राधा का संगम, दो आंखें बारात, नसीब, आंटी नंबर वन, प्यार दीवाना होता है, सुख आदि फिल्में बनाई थी। मेरी फिल्मों के हीरो हमेशा गोविंदा रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। मैं उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जब हरिद्वार ऋषिकेश गया था तो मेरी मुलाकात संजय से हुई। संजय ने मुझे बहुत अच्छी यात्रा कराई, बड़ा आनंद आया था। एक तो उत्तराखंड की केदारनाथ जी की यात्रा, और उसके साथ साथ संजय के साथ का जो है वो अनुभव बड़े प्यार से जो है मुझे ले गया, और हम लोगों के बड़े मधुर संबंध जो है बन गए। तो बच्चा है वो मेरा, बड़ा बड़े प्यार से, बड़ा आदर, बड़ा सम्मान से ले गया था मुझे, बड़ी सेवा की थी, तो हमने उसके घर भी गया था। तो दोस्तों, आइए आप उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और 2 धाम यात्रा करने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं संजय कुमार, हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते मित्रों, जय केदार।